तो बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस की शुरुआत हो चुकी है और जेपी नड्डा इस बार कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और लगभग 8 लाख से ज्यादा बूथ पर जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है और यह हम सबके लिए सुअवसर है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में अपने जीवन को लगाया है और जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, संबोधन मिलेगा। मैं अपनी ओर से और आप सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो मैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बताए गए रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर शक्ति दे, ताकत दे, ताकि हम समाज में जो परिवर्तन लाते हुए देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हमें ताकत मिले, हम उसको सही ढंग से पूरा कर सकें और आज स्थापना दिवस पर इस संकल्प को लेकर के हम चलें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, 42 वर्ष के इस कार्यक्रम के साथ साथ आज हमें उन लोगों को भी याद करना है जिन्होंने जनसंघ काल से पहले दिया को लेकर के चले और बाद में कमल के फूल को लेकर के चले। तीन तीन चार चार पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया आज इस पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए, आज उनको भी याद करने का अवसर है। तो देश भर में आज बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 42वां स्थापना दिवस है और 1980 से हम सब लोग बड़े सौभाग्य कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में दूसरी बार सरकार स्थापित है, यह हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार मिला ले, भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध 12 राज्यों में सरकार, और अगर एनडीए की सरकार बनाए तो 18 राज्यों में हमारी सरकार है। और इसके साथ साथ जब मैं लंबी यात्रा की बात करता हूं तो हमारे आज 402 सांसद हैं और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। यह गौरवमय अवसर है, ये सौभाग्य है हम सबका कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हमारे विधायकों की संख्या आज 1379 है और हम हरेक प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। हम जब यात्रा की बात करते हैं तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ और मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी के छवि को बदलने में भी हम सब लोगों ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके मार्गदर्शन पर चल करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में नहीं जानी जाती, इसका सामाजिक पक्ष भी उजागर हुआ है और कोरोना काल में करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को, करोड़ों लोगों को सेवा पहुंचाने के लिए सेवा ही संगठन के नाम पर काम किया और उसको आगे बढ़ाया। हमारे विरोधी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेली पार्टी थी जिसने कोरोना काल में अपना काम करके
इस बात को आगे बढ़ाया कि सेवा भी सेवा ही संगठन है और सेवा हमारा लक्ष्य है। इस बात को हम लोगों ने उजागर किया और समाज में ये स्थापित भी हुआ है। अगर हम बात करें तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छवि में बहुत बड़ा अंतर आया है। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तो थी, ये तो हमारा था ही विचार, लेकिन अब पार्टी की छवि ये गरीबों की पार्टी है, ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी है, ये गरीबों के आंखों के आंसू को पोंछने वाली पार्टी है और उनको मजबूतीकरण करते हुए, सशक्तिकरण करते हुए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी की छवि बनी है। अभी अभी जो नतीजे आए हैं उन नतीजों ने मोदी जी के नीति पर, कार्यक्रम पर पूरी ताकत के साथ भारत की जनता ने मुहर लगाई है, यह भी हम सबको ध्यान में आता है। आज हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके बीच में और उनके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा, हमें उनका संबोधन मिलने वाला है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को और शीर्ष नेतृत्व को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी आपके बताए रास्ते पर करोड़ों कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपने जो राजनीति की संस्कृति बदली है, आज सेवा की संस्कृति बनी है, आज जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स बनाई आपके नेतृत्व में चल रही हैं, जो प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चल रही हैं, उसको ताकत प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होगी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता अथक प्रयास करके जो दिए गए लक्ष्य होंगे उनको हम पूरा करेंगे। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस मंत्र को लेकर के हमारे करोड़ों कार्यकर्ता चलेंगे। मैं आज के इस सुअवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को जो बूथ स्तर तक आपके साथ डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं उनको आप संबोधित करें और उनको उनको आप मार्गदर्शन करें, उनका उनके लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं।